जीवन में एक बात की हमेशा ध्यान रखना, पहले हम परिश्रम करें उस चीज़ को जानने के लिए बिना पूछे। जी हाँ, हम बिना सोचे बिना समझे किसी से भी प्रश्नोत्तरी कर देते हैं। शादी एक संबंध नहीं बल्कि ये सातों जन्मों का रिश्ता हो जाता है, सात जन्म के लिए अर्धाग्नि बन जाती है। बताते चलें मित्रों, इस वीडियो से आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में अपने मूल लक्ष्य को पाना है तो अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए, परमपिता परमात्मा को मान के आधार पर उसकी माला जाप पूजा अर्चना सुबह करके निकलेंगे तो आपका दिन पूरा ही अच्छा ही जाएगा। जब आप भगवान को बिना वान पूजा करें और घर से निकलेंगे तो देखना आपके घर में अर्चना ही अर्चना आएंगी, काम बिगड़ते चले जाएंगे। जी हाँ, ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, जो भजन कहते हैं ना, तुम चले आओ तो आठ डग मैं चले आऊँ साठ, तुम भय कर रे काट काट तो मैं लोहे की लाठ। जी हाँ, परमपिता परमात्मा को मानो तो एक मार्ग पे आप भगवान की पूजा करके या मार्ग पे कदम बढ़ाओ तो देखना तुम्हारे रास्ते एक नहीं बल्कि आठ आठ खुले हुए मिलेंगे। और आप ये सोच रहे हो कि हम भजन करके निकलेंगे तभी काम, जी हाँ, कहते हैं भक्त बिना अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन होते हैं परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी वो हो गए अरध्य, आप बालाजी को मानते हैं बागेश्वर धाम सरकार, वैसे ही बालाजी से जो कहते हैं बागेश्वर धाम वो करते हैं। तो वैसे ही हम जब भगवान को मानेंगे, किसी को मानो, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, या शिव जी को, या हनुमान जी को, या किसी भी भगवान को मानो, तो आपके आराध्य वो हो जाते हैं, तो उनको आपकी फिक्र होने लगती है, तभी आपकी इच्छा पूरी होती है। और जब आप उनके भजन मार्ग पर चल कर या आप अपने जो भी काम करते हो, ऑफिस को जा रहे हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, या आप मजदूरी करते हो, या लेबरगिरी करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो आप ईश्वर की पूजा अर्चना करके वंदना करके जब घर से बाहर निकलोगे तो आप कभी खाली नहीं आओगे, काम करके आओगे और सफलतापूर्वक काम करके आओगे। इससे हमारे परमपिता परमात्मा ईश्वर जो हैं दुर्घटना से बचाते हैं, और हम कभी जैसा हम बिना पूजा करे जाते हैं ना लोग, तो उनका कभी कभी काम छूट जाता है, दूसरे दिन छूट जाता है, छुट्टी हो जाती है, काम में सरगर्म होती है, कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी साइकिल पंचर हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है जो लोग भगवान को मान के नहीं निकलते हैं। तो इस वीडियो से आपको सीखने जरूर मिला होगा, जितनी भी माताएं मैंने प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों पर चल रहा है काम के ऊपर। तो आप लोग भगवान का भजन करके चलें, किसी भी मार्ग पर निकल जाएं, आपके दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। जीवन में एक बात की हमेशा ध्यान रखना, पहले हम परिश्रम करें उस चीज़ को जानने के लिए बिना पूछे। जी हाँ, हम बिना सोचे बिना समझे किसी से भी प्रश्नोत्तरी कर देते हैं। शादी एक संबंध नहीं बल्कि ये सातों जन्मों का रिश्ता हो जाता है, सात जन्म के लिए अर्धाग्नि बन जाती है। बताते चलें मित्रों, इस वीडियो से आपको मोटिवेशन बहुत ज़्यादा मिलेगा। अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं करा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन में अपने मूल लक्ष्य को पाना है तो अपने जीवन में एक बात उतार लीजिए, परमपिता परमात्मा को मान के आधार पर उसकी माला जाप पूजा अर्चना सुबह करके निकलेंगे तो आपका दिन पूरा ही अच्छा ही जाएगा। जब आप भगवान को बिना वान पूजा करें और घर से निकलेंगे तो देखना आपके घर में अर्चना ही अर्चना आएंगी, काम बिगड़ते चले जाएंगे। जी हाँ, ग्रंथों में साफ लिखा हुआ है, जो भजन कहते हैं ना, तुम चले आओ तो आठ डग मैं चले आऊँ साठ, तुम भय कर रे काट काट तो मैं लोहे की लाठ। जी हाँ, परमपिता परमात्मा को मानो तो एक मार्ग पे आप भगवान की पूजा करके या मार्ग पे कदम बढ़ाओ तो देखना तुम्हारे रास्ते एक नहीं बल्कि आठ आठ खुले हुए मिलेंगे। और आप ये सोच रहे हो कि हम भजन करके निकलेंगे तभी काम, जी हाँ, कहते हैं भक्त बिना अहम भक्त पराधीन, भक्तों के पराधीन होते हैं परम पूज्य बागेश्वर धाम सरकार, जैसे बागेश्वर धाम सरकार के बालाजी वो हो गए अरध्य, आप बालाजी को मानते हैं बागेश्वर धाम सरकार, वैसे ही बालाजी से जो कहते हैं बागेश्वर धाम वो करते हैं। तो वैसे ही हम जब भगवान को मानेंगे, किसी को मानो, राधा रानी को, कृष्ण भगवान को, या शिव जी को, या हनुमान जी को, या किसी भी भगवान को मानो, तो आपके आराध्य वो हो जाते हैं, तो उनको आपकी फिक्र होने लगती है,
तभी आपकी इच्छा पूरी होती है। और जब आप उनके भजन मार्ग पर चल कर या आप अपने जो भी काम करते हो, ऑफिस को जा रहे हो, खेती बाड़ी का काम करते हो, या आप मजदूरी करते हो, या लेबरगिरी करते हो, कुछ भी काम करते हो, तो आप ईश्वर की पूजा अर्चना करके, वंदना करके जब घर से बाहर निकलोगे तो आप कभी खाली नहीं आओगे, काम करके आओगे और सफलतापूर्वक काम करके आओगे। इससे हमारे परमपिता परमात्मा ईश्वर जो हैं दुर्घटना से बचाते हैं। और हम कभी जैसा हम बिना पूजा करे जाते हैं ना लोग, तो उनका कभी कभी काम छूट जाता है, दूसरे दिन छूट जाता है, छुट्टी हो जाती है, काम में सरगर्म होती है, कभी गाड़ी पंचर हो जाती है, कभी साइकिल पंचर हो जाती है, कभी एक्सीडेंट हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है। तो इसलिए ऐसा होता है जो लोग भगवान को मान के नहीं निकलते हैं। तो इस वीडियो से आपको सीखने ज़रूर मिला होगा। जितनी भी माताएं मैंने प्रश्न करती हैं, क्वेश्चन करती हैं, ज़्यादातर इन चीज़ों पर चल रहा है, काम के ऊपर। तो आप लोग भगवान का भजन करके चलें, किसी भी मार्ग पर निकल जाएं, आपके दरवाजे खुले हुए मिलेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।